हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू अनदर मॉड्यूल ऑफ सिविल गुरुजी और ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, जितने भी इंजीनियर्स यहां पर जुड़ गए उनको पता है कि शाम को 6 बजे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन सिविल गुरुजी के ये वीडियो ब्रिज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोगों के इसी चैनल पर जरूर आते हैं। और देखो, इस चैनल पर इतना प्रयास हम कर रहे हैं, 6 बजे आप लोग के लिए सिखा रहे हैं, लाइव आ रहे हैं और केवल आप सभी लोगों के लिए। साथ में सुबह आपको जो है 9:30 बजे एक वीडियो मिलता है डेली, जिसमें आप लोग सीख पाते ब्रिज कंस्ट्रक्शन और हाईवे कंस्ट्रक्शन के बारे में। गौरव सर, विवेक सर और मैं खुद इस चैनल पर हम लोग आप लोग के लिए वीडियो ला रहे हैं और साथ में हमने आशीष सर को भी कोलैबोरेट किया हुआ है। देखिए, हाईवे कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन की सारी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आपके पास, तो सिविल गुरुजी के चैनल पर आप देख सकते हैं और ब्रिज और हाईवे की इसी चैनल पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, ये जो पीछे 3D मॉडल्स देख रहे हैं, इसका मेन मकसद है आप लोग को विजुलाइज करवाना, आप लोग को दिखाना उन सभी चीजों को जो आप लोग किसी भी पार्ट में नहीं देख पा रहे हैं, या हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो विजुलाइज हमारा पहला मकसद होता है कि आप लोग को उसे इमेजिन करवा दें कि भैया वो कैसा दिखने वाला है, क्योंकि जब तक इमेजिन नहीं होगा मजा नहीं आएगा काम करने, मजा नहीं आएगा किसी भी चीज को सॉल्व करने। मेरी आवाज आप सभी लोगों तक सही पहुंच पा रही है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। मैं भी यहां पे आपका कमेंट बॉक्स ओपन कर लेता हूं, यदि आवाज सही आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके यस जरूर लिखिएगा। मैं यहां पर सभी इंजीनियर्स को वॉच करता हूं और सभी को देखता हूं। दीपक कुमार का सबसे पहले रिप्लाई आया, हाय यस यस रवि यस, सभी का मतलब यस आंसर आ रहा है यहां पर, मतलब आवाज और मेरा प्रयास आप लोग को पसंद आ रहा है। चलिए, आज का जो सीरीज का जो हमने पाइल सीरीज चलाया हुआ था उसका लास्ट पार्ट है आज पाइल का, फिर कल हमसे हम पाइल कैप स्टार्ट करेंगे, मतलब आगे के जो भी सेशन आएगा मेरा उसमें हम पाइल कैप को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग का अधिकारी जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं यहां पर, और चलिए बहुत बढ़िया यार, रिप्लाई टाइप करते रहिए यहां पर, जो जो आपको समस्या है जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए उसके बारे में। और देखिए यार, जितने भी इंजीनियर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि ये जो पीछे आप 3D मॉडल देख रहे हैं, पीछे 3D मॉडल्स देख रहे हैं, ऐसे ही ड्राइंग्स में आपको दिखाऊंगा, इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है सिविल गुरुजी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जो कि प्ले स्टोर पर मिलेगा। देखिए, प्ले स्टोर पर जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, एक लिंक है डायरेक्टली, ये सारे 3D मॉडल और ये जो वीडियोस हैं आपको वहां पे वीडियोस भी मिल जाएंगे, 3D मॉडल मिल जाएंगे और ड्रॉइंग रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सीखना, लेकिन आप चाहते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन सीखना, तो सिविल गुरुजी का कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स अवेलेबल है, जो कि इसी प्ले स्टोर के एप्लीकेशन सिविल गुरुजी पर है। कॉप्स फॉर बिल्डिंग एंड कॉप्स फॉर हाईवे और साथ में आर्किटेक्चुरल ऑपरेटिंग प्रोसेस, ये सारे के सारे कोर्सेज सिविल गुरुजी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मौजूद है। अब देखिए, मेरे पीछे यहां पर आप जो ये देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर, ये बेसिकली पाइल है यहां पर। अब देखिए, इतने सारी चीजें हम एक साथ देखते हैं तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन आता है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये समस्या आएगी ही। तो क्यों आप एक साथ देखते हो, जब यही समस्या है कि पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे मेंबर को एक साथ देखने में कंफ्यूजन हो जा रहा है किसको कैसे सॉल्व करूं, तो एक साथ देखो ही मत। आपको करना क्या है, इस 3D मॉडल की मदद से एक एक करके देखना। देखिए, सबसे पहले क्या है यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्टैंड है। ये स्टैंड देना क्यों जरूरी है, आप ग्राउंड पे बार रखोगे तो ग्राउंड पे जो सॉइल है, सॉइल के कांटेक्ट में बार आने की वजह से बार के ऊपर जो स्टील बार है उसके ऊपर सॉइल लगेगा और उसकी वजह से कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से क्या बनाते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं इस तरह का। देखिए, लोहे का ये फ्रेम दिख रहा है आपको, ये देखिए ध्यान से, ये फ्रेम दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा हाइट हमने ली हुई है इसकी, करीबन यहां पर आप जो है 1 मीटर तक आप इसको ले सकते हैं, 1 मीटर में ज्यादा हो गया, 2 फीट से लेके 3 फीट के बीच में आप इसको ले सकते हैं। यहां पर एक फ्रेम बनवा लीजिए जिससे स्टील बार आप डायरेक्टली जो है प्लेस नहीं करेंगे ग्राउंड के ऊपर। फिर इसके बाद देखिए, सेकंड वेरिएंट लाया मैं, तो 2 बार आई आपकी, देखिए एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ये इस तरह से बार लगाई हमने। और देखिए, बार के पीछे आप देखोगे तो पीछे भैया एल बना हुआ है, दिखाता हूं मैं यहां पर एल कहां बना हुआ है, यहां पर देखेंगे ध्यान से, ये देखिए ये एल जो दिख रहा है आपको यहां पर, ये जो दिख रहा है ना एल, ये वाला एल, इसकी बात कर रहा हूं, ये 300 mm का एल दिया हुआ है, ये है वर्टिकल बार, पहले सॉल्व कर चुके हैं। अगर जितने भी इंजीनियर्स आज नए जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे शाम को 6 बजे डेली लाइव होता है। पाइल का पूरा सीरीज चला रहा था मैं अभी, जिसमें मैंने पहले वीडियो में वर्टिकल कैप बताया लाइव वीडियो में जाकर, देन मैंने उसके अंदर मास्टरिंग बताया, आज पाइल का लास्ट सीरीज है, इसके बाद हम पाइल कैप स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, इधर आपके पास ये बार आई, फिर हम दूसरा मॉडल यहां पर ओपन करते हैं, तो यहां पर देखिए एक यहां पर क्या है, रिंग आई, देखिए ध्यान से यहां पर क्या है, ये रिंग है, देखिए ये रेड कलर से जो दिख रही है आपको, ये क्या है, एक मास्टर रिंग, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं।
मैंने क्या कहा, एक साथ पूरे मेंबर को देखोगे कंफ्यूजन होगा ही, मुझे भी होता है, लेकिन जब मैं इसको पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, अब देखिए यहां पर ध्यान से कितने सारे मास्टरिंग यहां पर लगा दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा और दिखाता हूं आपको, ये कितने सारे मास्टरिंग और ये जो सब लेवर है इसका सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि गिर जाएगा यहां से भैया ये, तो इसके सपोर्ट देने के लिए लेवर को यहां पर लगाया गया है। अब इसके बाद सारे ये, अब देखिए और यहां पर वर्टिकल बार आ गई, ये ग्रीन कलर से दिख रहे हैं वर्टिकल बार है, रेड कलर से दिख रहे हैं मास्टरिंग है। इसका बीबीएस जानने के लिए लाइव वीडियो मैंने इसी चैनल पर दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आता हूं, तो देखिए सारे के सारे वर्टिकल बार यहां पर लग चुके हैं, टोटल इस प्रोड्यूसर मेंबर में जो एक पाइल का मेंबर है सब 22 वर्टिकल बार लगाए गए हैं। फिर इसके बाद देखिए आप वर्टिकल बार के बाद यहां पर जो बार लगेंगे अब वो लगेंगे आपकी रिंग, ये जो आपको ये जो पैरेट कलर पैरेट ग्रीन कलर से जो रिंग आई है ये इसको बोलते हैं आउटर रिंग, आउटर रिंग बोल सकते हैं इसको, बार को सपोर्ट करने के लिए बाइंडर बोल सकते हैं इसके लिए। तो ये जो रिंग आप देख रहे हैं इस रिंग की बात कर रहा हूं, और इसी रिंग के साथ यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कवर ब्लॉक्स भी लगाए गए हैं। ये क्या है, कवर ब्लॉक्स है, ये देखिए आउटर रिंग है ये रेड वाली, इनर रिंग जिसको मास्टरिंग बोला गया है, ये आपकी बार, ये मास्टरिंग हो गया, ये वर्टिकल बार हो गया, और इसके बाद यहां पर जो बाहर आया है ये जो बार है ये है आउटर बार, मतलब जो वर्टिकल बार के बाहर जो बार आएगी इसको बाइंडर या आउटर रिंग बोला गया है इस वाली बार को, और उसी के साथ में आपका कवर प्रोवाइड किया गया है। कवर आपको पता ही है कि जो आउटर सरफेस है उससे कॉन्टेक्ट में ना, इसलिए हमें स्टील बार और आउटर सरफेस के बीच में एक मिनिमम दूरी तय करनी होती है, इसलिए यहां पर कवर भी दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे आउटर रिंग के बारे में। चलिए आउटर रिंग तो हमने यहां पर देख लिया, थोड़ा सा इसका ड्राइंग स्पेसिफिकेशन और देख लेते हैं कि ड्राइंग में इसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए ये 3D मॉडल एक्सेस करने के लिए ब्रिज कंस्ट्रक्शन का ट्रेनिंग मॉड्यूल एक मैंने आप लोग के लिए डिजाइन किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप ये सारा 3D मॉडल और ड्राइंग्स एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं, 3D मॉडल को वहीं पर ही आप जैसे मैं चला रहा था अभी ऐसे ही आप चला सकते हैं। इसमें और तो कुछ सिखाना है नहीं चलाने के लिए, लेकिन सिखाना तो है बार बेंडिंग शेड्यूल। देखता हूं आप लोग के कमेंट्स, आप लोग कमेंट कर दे व्हेन विल यू टेल अबाउट टेस्ट, दीपक कुमार टेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, ब्रिज कंस्ट्रक्शन जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट हैं इसके लिए मैं टिकेश कुमार सर जो कि हमारे यहां पर लैब के जो पार्ट्स को संभालते हैं मैं उनको इन्वाइट भी करूंगा इस चैनल पर, जो कि आपको लैब के सारे टेस्ट वगैरह बता पाएंगे जितने भी टेस्ट यहां पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अभी बार बेंडिंग शेड्यूल की सीरीज चल रही है, अभी हाईवे की सीरीज चल रही है, और अभी जो है यहां पर सीरीज चल रही है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की सीरीज चल रही है। तो तीन सीरीज हम कंटिन्यू चला रहे हैं जिसमें से पाइल की सीरीज आज खत्म हो जाएगी, इसके बाद पाइल कैप की सीरीज लाऊंगा मैं, फिर पियर की सीरीज लाऊंगा, देन पियर कैप, देन डेक स्लैब। गौरव साहू सर जो कि ला रहे हैं हाईवे की सीरीज ला रहे हैं, उसमें हाईवे के TCS प्लान एंड प्रोफाइल एस्टिमेशन इसकी सीरीज लाएंगे। विवेक कुमार सर जो है टाइप्स ऑफ ब्रिज किट सीरीज ला रहे हैं कि क्यों कौन सा ब्रिज कहां प्रोवाइड करना है, कितने टाइप्स के ब्रिज होते हैं, क्या उसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इसका पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो ये पूरा सीरीज चल रहा है, मैं आगे फ्यूचर में प्लान आउट करूंगा कि टिकेश सर भी जो है टिकेश साहू सर वो भी इसमें अपना इनपुट दे पाए आप सभी लोगों के लिए, और टेस्ट के सीरीज भी हम कंटिन्यू चलाएं, तो हर चीज आपको मिलेगा, चिंता ना करें। और अगर टेस्ट के बारे में डिटेल सीखना चाहते हैं तो देखिए सिविल गुजी का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक कोर्स दिया हुआ है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो उसमें QA/QC तो सिखाया है, साथ में क्वालिटी टेस्ट एंड रिपोर्ट भी सिखाया है। एक बार दीपक कुमार आप जाकर ना प्लीज उस कंटेंट को देख लो, यदि वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो रही है तो डेफिनेटली आप उसमें एनरोल कर सकते हैं उस कोर्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां से हम देखेंगे ड्रॉइंग के बारे में कि किस तरह की ड्रॉइंग बेसिकली यहां पर दी गई है, और ड्रॉइंग में आउटर रिंग के डाया वगैरह यहां पर देख लेते हैं एक बार। तो चलिए यहां पर मैं ड्राइंग ओपन किया, ड्राइंग में रेनफोर्समेंट ओपन किया, अब ध्यान से देखेंगे यहां पर ये देखिए ये सेक्शन लास्ट टाइम मैंने काटा था ये सेक्शन, अब देखिए यहां पर सेक्शन दिख रहा है आपको, ये देखिए सेक्शन ध्यान से, अब ये सेक्शन देखा हमने तो सेक्शन में यहां पर जो दिया हुआ है ये है वर्टिकल बार, कौन से कलर से डिफाइन थी, ग्रीन कलर से डिफाइन थी, जो ग्रीन कलर से हमें बार दिख रही थी वो थी ये कौन सी बार, वर्टिकल बार। देन इसके बाद जो अंदर वाली रिंग दिख रही है जो रेड कलर से डिफाइन थी जिसको बोल रहे थे हम कौन सा मास्टर रिंग है, वो वाली रिंग है, और जो पैरेट ग्रीन कलर से जो बार आपकी दी हुई थी रिंग दी हुई थी वो ये वाली बार दिख रही है आपको, दो नंबर वाली जो थी कि आपकी ग्रीन कलर से, इसका नाम है आउटर रिंग, ये है आपकी आउटर रिंग। आज हम बात करेंगे आउटर रिंग की, क्योंकि वर्टिकल बार सॉल्व कर चुके हैं, जितने भी लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस लाइव सेशन जाइए, वर्टिकल बार एक ही सेशन में सॉल्व आउट करा दिया, मास्टर रिंग भी सॉल्व आउट हो चुका है, आज बात करेंगे आउटर रिंग की और पाइल को हम आज क्लोज कर देंगे। चलिए सॉल्व करने चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात इंपॉर्टेंट, इसके डाया ऑफ बार वगैरह कितना दिया हुआ है ड्रॉइंग के अंदर वो भी देख लेते हैं।
तो यहां पर देखिए बार का मार्क था दो नंबर, ये दो नंबर, तो डाया ऑफ बार है यहां पर 12 एमएम का। देखिए ध्यान से, बार का जो डाया है आप लिख लीजिए 12 एमएम का है बार का डाया, और 150 सेंटर टू सेंटर यहां पे जो है रिंग लगाइए, मतलब एक रिंग्स लगाने के बाद दूसरी रिंग के सेंटर से का जो डिस्टेंस है वो है आपका 150 एमएम का, और ये जो रिंग है इसके बार का डाया है 12 डाया, 12 एमएम का डाया यहां पर लगाया गया है। अच्छा, कवर की अगर मैं बात करूं तो जो कवर है भैया वो है 75 एमएम का, ये तो फिक्स्ड है, ये तो हम पहले भी देखते हुए आ चुके हैं कवर के बारे में पूरी डिटेल, जो कवर की पूरी डिटेल है ये हमने पहले भी देख चुके हैं। और देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आप लोग को, कवर के बारे में डिटेल यहीं पर दी हुई है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो देखिए पाइल में जो कवर है वो 75 एमएम का दिया जाएगा, पाइल कैप में 75, पियर में 40 एमएम का कवर है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कटिंग लेंथ, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कटिंग लेंथ ऑफ आउटर रिंग, या इसको बाइंडर भी बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग नाम इसके जाने जाते हैं, कटिंग लेंथ ऑफ आउटर रिंग या बाइंडर की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं, हमारे पास डाया ऑफ बार होना चाहिए, तो डाया ऑफ बार है यहां पर अभी देखा हमने 12 एमएम का। दूसरा हमारे पास स्पेसिंग होनी चाहिए, तो स्पेसिंग भी मौजूद है हमारे पास कितने की, 150 एमएम सेंटर टू सेंटर। देखिए जहां पर भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, देखिए मेरे पास फोन यहां पे मौजूद है और आपका कमेंट बॉक्स जिसमें आप लाइव चैट के दौरान मुझसे कुछ भी सवाल आपके मन में आता है तो आप पूछ सकते हैं, जैसा कि दीपक कुमार ने एक शानदार सवाल पूछा और उनका आंसर लगभग उनको मिल चुका है। और भी इंजीनियर्स यहां पर जरूर लिख सकते हैं जो भी डाउट आपके मन में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्पेसिंग के बाद यहां पर कवर लिखते हैं, जो कवर प्रोवाइड करने का बोला गया है वो है 75 एमएम का, 75 एमएम का। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एक पाइल है मौजूद है यहां पर, ये सर वो पीपीटी यहां पर मौजूद है क्या इस पैनल में, इस पैनल में है क्या, इसी पैनल में, चलिए एक बार मैं देख, या उस पैनल में, उस दिन आप वहां से आए थे, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर देखेंगे हम, सबसे पहले जो बार लगी हुई है वो आपकी वर्टिकल बार कुछ इस तरह से लगी हुई है, ये वर्टिकल बार, यहां पर ये दूसरी वर्टिकल बार, ऐसे बहुत सारी वर्टिकल बार आपकी लगी हुई है। ये जो लेवल है इसको बोलेंगे हम COL, और कट ऑफ लेवल तक की जो लेंथ है उसको बोला जाता है पाइल लेंथ, ये है आपकी पाइल लेंथ जो कि ड्राइंग में दी हुई है 10,665 एमएम की। उसका जो ऊपर का डिस्टेंस है कट ऑफ लेवल से जो ऊपर का डिस्टेंस है ये आपका पाइल लेंथ, पाइल कैप लेंथ, पाइल कैप का हाइट बोल सकते हैं इसको, पाइल कैप का हाइट है आपका। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो इनर में इस तरह से रिंग बनेगी वाली, इसको बोलेंगे हम मास्टर रिंग, क्या बोलेंगे इसको, मास्टर रिंग। और एक मास्टर रिंग से दूसरे मास्टर रिंग का जो स्पेसिंग इससे पहले हम निकाले चुके हैं वो था 1000 एमएम का, ये रेड कलर से मॉडल के अंदर भी दिखाया था मैंने आपको, वही दिखा रहा हूं, ऊपर नहीं लगेगी, कट ऑफ लेवल के ऊपर मास्टर रिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है कोई भी। फिर इसके बाद एक और रिंग लगेगी जिसको आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रीन कलर से बना रहा हूं, देखिए ये आउटर टू आउटर लगेगी इस तरह से, आउटर में लगेगी ये, यहां पे जो स्पेसिंग है वो है 150 एमएम की, यहां पे जो स्पेसिंग लगेगी वो 150 एमएम की लगाई जाएगी। देखिए ये आउटर टू आउटर लग रहा है, ये आउटर टू आउटर, ये आउटर टू आउटर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक कवर देना पड़ेगा आपको, यहां पर एक कवर देना पड़ेगा, ये कवर यहां पर कवर देना पड़ेगा, यहां पर कवर देना पड़ेगा, यहां पर कवर दोगे, यहां पर कवर दोगे, इस तरह से क्या दोगे, कवर दोगे 75 एमएम का। और ये जो डिस्टेंस आया आपका ये आपका डाया ऑफ पाइल, और डाया ऑफ पाइल आपके इस ड्रॉइंग के अनुसार दिया हुआ है, कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए डाया ऑफ पाइल कितना दिया हुआ है, ये है डाया ऑफ पाइल, कॉमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए डाया ऑफ पाइल कितना है। आज हम निकालेंगे ग्रीन कलर वाला, तो इसका सेक्शन कट करते हैं, आप डायोड पाइल बताइए जब तक मुझे, मैं यहां से सेक्शन कट करता हूं, सेक्शन ए ए, ये सेक्शन ए कट करेंगे, सेक्शन ए ए हम कट करने जा रहे हैं। ये कवर को यहां से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां पे, और कवर को लिख देता हूं यहां पर क्योंकि मुझे जगह चाहिए बेसिकली, तो यहां पर मैं कवर यहां लिख देता हूं, कवर का जो डिस्टेंस है वो है 75 एमएम का। डाया ऑफ पाइल जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों से, दीपक कुमार, रवि, आदित्य, अधिकारी, जितेंद्र, इन सभी लोगों से मैं जानना चाहूंगा, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, डाया ऑफ पाइल कितना दिया हुआ है।
जल्दी आप मुझे बताइए डायोपाइल कितना दिया हुआ है। चलिए यहां पर आंसर तो नहीं मिला है अभी तक, चलिए मैं बता देता हूं। डायोपाइल प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिए, 1200 mm का डायोपाइल दिया हुआ है। चलिए डायोपाइल इधर बनाते हैं, यहां पर मैं बनाता हूं सबसे पहले डाया ऑफ पाइल, ये 1200 mm, ये हो गया 1200 mm का। इसके बाद 1200 mm के बाद यहां पर देखिए ये व्हाइट कलर से जो बार बनाई है, ये आपकी कौन सी बार है, ये है आपकी वर्टिकल बार, ये वर्टिकल बार, ये इस तरह से वर्टिकल बार, ये सेक्शन कट हुआ है इस तरह से, ये वर्टिकल बार लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये रेड कलर से दिख रहा है, ये आपकी मास्टर रिंग, तो मास्टर रिंग कुछ इस तरह से दिखेगी बार के अंदर इस तरह से, ये मास्टर रिंग। देन इसके बाद एक ग्रीन कलर से, यहां से ग्रीन कलर से ये जो रिंग है ये आउटर रिंग, इसकी बात कर रहे हैं आज हम, इसको कैलकुलेट करेंगे आउटर रिंग को, ठीक है। और आउटर रिंग के बाद ये जो लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं आपके कवर कुछ इस तरह से, ये कवर है आपके। तो देखिए ध्यान से सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है कितना, 1200 mm का, कितना है ये 1200 mm। मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है रिंग को कैलकुलेट करने के लिए, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, लेकिन मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, मुझे डिस्टेंस यहां तक चाहिए, मुझे डिस्टेंस यहां से यहां तक दिया हुआ है, मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया हुआ 1200, लेकिन मुझे सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। तो सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक के डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या आप लोग मेरी कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, यदि आप ये समझ पा रहे हैं क्या मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा का डिस्टेंस पता है, सी पॉइंट से डी पॉइंट का निकालना है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए सी पॉइंट से डी पॉइंट पहुंचने के लिए ये जो कवर वाला डिस्टेंस है इसको सबट्रैक्ट कर दूं क्या मैं, बताइए आप लोग मुझे, क्या मैं इस डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर सकता हूं और मेरा इजीली मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा, इस वाले डिस्टेंस तक पहुंच पाऊंगा, सी और डी तक पहुंच पाऊंगा, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए यदि आप लोग समझ पा रहे हैं तो। एवरीवन, चलिए अभी आंसर मिला है मुझे दीपक कुमार की तरफ से, विवेक की तरफ से, प्रकाश की तरफ से और रवि की तरफ से 1200, यस चलिए बहुत बढ़िया, तो हम यहां तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए एकदम इजी फॉर्मूला बनाता हूं, एक इजी फॉर्मूला बनाते हैं यहां पर कटिंग लाइन निकालने के लिए, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, क्या फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला प्लस। अब देखिए जब भी बार लगाएंगे, यदि मैं इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से एक पार्ट दे दूं तो लोड आने पे ये तो खुल सकता है जॉइंट यहां से, तो क्या करते हैं यहां पर एक लैप लेंथ लैप प्रोवाइड करते हैं, मतलब यहां पर क्या करेंगे एक लैप प्रोवाइड करेंगे, मतलब इस तरह से और ये इस तरह से जाता है, ये जो दूरी है और यहां पर क्या करेंगे इसे जॉइन कर देंगे, यहां पर चाहे बेल्डिंग से ज्वाइन करो या आप जो है बाइंडिंग वायर से ज्वाइन करो, वो डजंट मैटर, अलग अलग टाइप के जॉइंट्स मार्केट में होते हैं, और जब हम जॉइंट विवेक सर जब कंपोनेंट आपको पढ़ाएंगे तो जब उसके डिफरेंट टाइप के जॉइंट भी आपको पढ़ा देंगे यहां पर, तो इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं लैप लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, लैप लेंथ। तो हमारे ड्रॉइंग के अनुसार जो लैप लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60D दिया हुआ है। आप कहोगे कहां दिया हुआ है, कैसे मानूं, चलो कोई बात नहीं मत मानो यार, मैं दिखाता हूं कहां दिया हुआ है। ये देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे, ड्राइंग में आ चुका हूं वापस, लैपिंग ऑफ द बार शैल बी 60D, मतलब डाया ऑफ बार के 60 गुना आपको क्या देना है, लैपिंग प्रोवाइड करना है। अब देखिए डाया ऑफ बार जो था आपके पास मौजूद था, डाया ऑफ बार वो था आपके पास कितना 12 mm का, तो 12 × 60 आप करेंगे यहां पर, तो 12 × 60 आपको यहां पर करना पड़ेगा, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं लैप लेंथ को हमें ऐड करना पड़ेगा, लैप लेंथ को क्या करना पड़ेगा हमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन कुछ माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मैं पूरे रेडियस का ले रहा हूं, तो कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा यहां पर क्या, कवर माइनस करना पड़ेगा, कवर किसकी तरफ, बोथ साइड कवर आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां पर सर्कमफेरेंस ये वाली लेनी है मुझे लेकिन ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो दोनों तरफ के कवर क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो इस वजह से यहां पर क्या आएगा, सबट्रैक्शन आएगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पर। अब इस फॉर्मूले को डिकोड करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr, कैलकुलेटर लेके बैठना, जितने भी लोग यहां लाइव वीडियो देख रहे हैं कैलकुलेटर लेके बैठना, अभी मैं कैलकुलेशन पूछूंगा और जरूर आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए। लैप लेंथ है 60 × d, d इज डाया ऑफ बार, माइनस करेंगे कवर, कवर कितना का है 2 क्यों ले रहा हूं क्योंकि बोथ साइड है, दोनों तरफ आपको कवर माइनस करना पड़ेगा, तो 2 × 75 mm, यदि आप mm में इसको ले रहे हैं, मैं mm में लेके चलता हूं। आर जो है, आर है आपका रेडियस, जबकि डाया ऑफ पाइल आपका 1200, तो रेडियस हो जाएगा 600 का। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, 2 ×
3.14, जल्दी से देखो कैलकुलेट करते चलना सभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, आप सभी का काम है इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। मेरा काम है आपके लिए कॉन्सेप्ट बनाना, आपका काम है इसे सॉल्व करके आंसर बताना। चलिए रेडियस हो जाएगा 600 mm, क्यों? क्योंकि डाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका डाया है, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डाया बोलते हैं। हमें सेंटर से रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे? d/2 = r, क्या हो जाएगा आपका d/2, जितना भी डाया उसका आधा आपका। तो यहां से हमने 600 लिख दिया, प्लस 60 × डाया ऑफ बार 12 mm का बार, माइनस 2 × 75 कर देंगे, तो यहां जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर में होगा। और कितना आंसर होगा बार की कटिंग लेंथ का, कि इस रिंग को बनाने के लिए कितना लंबा बार मुझको चाहिए, यही तो निकाल रहे हैं हम, और निकल गया mm में। आप लोग मुझे आंसर बताइए, सभी का आंसर देखता हूं मैं यहां पर। एक आंसर मिला है मुझे 3298, एक आंसर मिला 3518, अच्छा दीपक कुमार के दो आंसर हैं, और रवि एडिट्स का 4338, प्रकाश 4338, दीपक कुमार का तीसरा आंसर आ चुका है 4258। चलिए कैलकुलेट करिए जल्दी, और एवरीवन, केवल प्रकाश और रवि दो लोगों का आंसर सेम है, बाकी लोग का आंसर अलग अलग आ रहा है, बाकी लोग में दीपक है। यहाँ पर थोड़ा सा और कैलकुलेट करके देखिए एक बार, एकदम सिंपल सी मैथ है यार, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सिंपल सी मैथ है, आपको एक बार कैलकुलेट करना चाहिए, सभी को कैलकुलेट करके आंसर जल्दी से बताइए मुझको, कितना आंसर यहां पर आ रहा है आप लोगों का। कटिंग लेंथ बताना है आपको। जल्दी से एवरीवन, 4338 एक और आंसर मिला मुझे, मतलब तीन लोगों का आंसर सेम आ रहा है, 4338 मान लेते हैं इसको ही। दीपक एक बार यार प्लीज आप एक बार चेक कीजिएगा, क्रॉस चेक करो एक बार, 4338 mm, और इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो दैट इज 4.338 मीटर लंबी मुझे क्या चाहिए, बार चाहिए इस रिंग को बनवाने के लिए, साथ में उसके लैब प्रोवाइड करने के लिए 4338 मीटर की। अब ये तो बात हो गई कटिंग लेंथ की, कि बार की लेंथ क्या होगी। चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहां पर, बार लेंथ, कटिंग लेंथ ऑफ बार, कटिंग लेंथ ऑफ बार दैट इज 4.338 मीटर, ये होगी हमारी कटिंग लेंथ ऑफ द बार। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ बार रिंग कितनी लग रही है, यहां पर जो रिंग लगेंगी, ये जो रिंग हम बना रहे हैं, ये वाली रिंग जो आप देख रहे हो ये, और यहां पर जो डिस्टेंस है ये, इसको हम लैप लेंथ बोल रहे हैं। इसको दोबारा से बना देता हूं, देखिए ध्यान से, ये लैप लेंथ है। मैं बात कर रहा हूं नंबर, कितने नंबर लगानी होगी इसको, नंबर ऑफ रिंग निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिंग निकालने के लिए, नंबर ऑफ रिंग निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, नंबर ऑफ रिंग निकालने के लिए एक फॉर्मूला, हम एक डिस्टेंस लेते हैं कहां से कहां तक ये लग रहा है बेसिकली, तो यहां पर चलेंगे पीछे, और पीछे देखिए कहां से कहां तक लग रहा है, ये लग रहा है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस लेंथ को क्या बोल रहे हैं, पाइल की लेंथ, क्या बोल रहे हैं इसको, पाइल की लेंथ। लेकिन इसमें एक 75 mm का कवर भी क्या है, इंक्लूड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज इफेक्टिव लेंथ, कितने पे इफेक्ट कर रहा है आपका ये कवर, तो वो यहां तक होगा, जबकि 10,665 जो है वो यहां तक है, उसमें कवर क्या है, इंक्लूड है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, कवर को यहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, इफेक्टिव लेंथ, यहां पर क्या लिख दिया हमने, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पाइल, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पाइल डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, और प्लस 1 कर देंगे हम यहां पर। अब देखिए इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए यहां पर देखिए सिंपल सा मैं बता देता हूं, इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला बनाया मैंने इफेक्टिव लेंथ का, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल्स टू क्या है ये, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, पाइल लेंथ अप टू कट ऑफ लेवल माइनस कवर। आप कहोगे दोनों साइड कवर माइनस करो ना सर, देखिए दोनों साइड कवर नहीं कर सकते माइनस, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा कवर जो है वो पाइल कैप में लगा हुआ है, इसको माइनस नहीं कर सकते इस कवर को, आपको यहां तक तो ले रहे हैं ना कट ऑफ लेवल तक, जो नीचे वाला डिस्टेंस एक कवर लग रहा है, इस एक कवर को यहां पर क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बन गया, पाइल लेंथ अप टू कट ऑफ लेवल माइनस कर दिया कवर। अब देखिए पाइल लेंथ कितनी है, 10,665 है, माइनस कर दिया 75, कितना आंसर आया, 10,665 में से माइनस कर दिया हमने क्या, कवर माइनस कर दिया, जो कवर माइनस करके जो हमारी लेंथ आएगी उस लेंथ की बात कर रहे हैं, स्पेसिंग दिया हुआ है 150 का,
प्लस करना है वन, सभी लोग अगर समझ में आया यस लिख दो, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो सभी लोग यहां पर यस लिख दीजिए। और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इतना आया यहां पर, तो दैट इज 10.590, 10.590 ये मुझे आंसर मिला है अभी, 10.590 क्या ये सही है सभी लोग, 10.590 चलिए 10.590 यहां पर लिखा हमने, डिवाइड बाय 150 प्लस 1 करेंगे तो देखो कई लोगों का आंसर आ गया 71 71 72 72, कई लोगों का आंसर आ गया, मतलब 71 और 72 में कंफ्यूजन है। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार डिवाइड कर लेता हूं, 150 से डिवाइड करा प्लस 1 करा, आंसर आया 71.6, ये हमारा आंसर आया। लेकिन जब भी डेसिमल में आंसर आता है तो डेसिमल में तो रिंग नहीं दे सकता कि 0.6 रिंग लगा देना, नॉट पॉसिबल। तो इसको एक रियल नंबर तक पहुंचाना होता है, रियल नंबर हमेशा एक आगे ही ले जाओ, तो इसको आप 72 कर दो, इसको कर दो आप 72 नंबर्स, 72 नंबर रिंग लगेंगी यहां पर, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी लगेंगी यहां पर, 72 लगने वाली है। तो हमें यह पता चल गया नंबर ऑफ रिंग कितनी है, 72 है यहां पर, 72 नंबर ऑफ क्या है, रिंग्स लगेंगी टोटल यहां पर, ठीक है। चलिए जितने भी लोगों ने 72 आंसर दिया है आप लोग के लिए जोरदार तालियां मेरी तरफ से, जितने भी लोगों ने यहां पर 72 बोला है सबके लिए बहुत जोरदार तालियां। प्रकाश का आंसर सही आया है यहां पर, रवि का आंसर सही है, विवेक यहां पर आंसर सही आया है, दीपक आपका आंसर नहीं आया है, रवि दीपक प्लीज फास्ट। चलिए एक और चीज यहां पर समझते हैं, तो हमें दो चीज पता चल गई, सबसे पहले पता चला कटिंग लेंथ ऑफ बार, हमें पता चला कटिंग लेंथ ऑफ बार, पता चला रिंग के लिए कितना कटिंग लेंथ करवाना पड़ेगा, दूसरा पता चल गया नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग तो 72 है और कटिंग लेंथ ऑफ बार कितना है, 4.338 मीटर आया था। मैं आपसे पूछूं मेरा एक सवाल, टोटल वेट ऑफ स्टील कितना परचेज करना पड़ेगा मुझे, टोटल वेट ऑफ स्टील इस रिंग को बनाने के लिए, बस इस रिंग को बनाने के लिए टोटल वेट ऑफ स्टील कितना मुझे परचेज करना पड़ेगा, आप लोगों से मेरा सवाल है, कैसे निकालूंगा टोटल वेट ऑफ स्टील जिसमें डाई ऑफ बार है 12 mm का, 12 mm का डाई ऑफ बार है तो कितना होगा, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट, डी स्क्वायर बाय 162 कर दो पहले, तो 12 × 12 डिवाइड बाय 162, तो यहां पर क्या निकल जाएगा, 12 12 मतलब क्या है, ये है एमएम में, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कितना आंसर आया यहां पर, डी स्क्वायर बाय 162 0.89 kg, बिल्कुल 0.89 kg ये पर मीटर, एक मीटर का आ गया ये, ठीक है। लेकिन कितने मीटर बार दे रहा हूं मैं, 4.338 मीटर बार दे रहा हूं मैं, 4.38338 मीटर मैं बार दे रहा हूं, और नंबर एक, ये तो एक रिंग का है, 72 रिंग के लिए जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4.338 मल्टीप्लाई बाय 72, क्यों, क्योंकि 72 नंबर ऑफ क्या है हमारे पास, रिंग है, तो यहां पे एक आंसर आएगा 4.338, मैं ही करके बता देता हूं आप लोगों को, 4.338 मल्टीप्लाई बाय 72 करा तो मतलब 312.336, इसको दो डेसिमल ले लो, 33 कर लो इसको, मीटर इतना बार लगेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 312.33 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा आपका, केजी में आंसर आएगा, किसमें आएगा आपका आंसर, केजी में आएगा, 312.33 मल्टीप्लाई बाय 0.89, 312.33 मल्टीप्लाई बाय 0.89 आपका आंसर आया 278, राउंड ऑफ ले लिया मैंने, 277.979 आ रहा था, मतलब 278 केजी स्टील लगने वाला है आउटर रिंग के लिए, और कितने पाइल के लिए, एक पाइल के लिए। अब जितने नंबर ऑफ पाइल, ये जो पाइल है आपका, ये 6 मेंबर का बना हुआ है, मतलब इस पाइल के अंदर 6 सिलेंड्रिकल मेंबर है, कैसे, एक सिलेंड्रिकल मेंबर, दो सिलेंड्रिकल मेंबर, तीन सिलेंड्रिकल मेंबर, चार सिलेंड्रिकल मेंबर, पांच सिलेंड्रिकल मेंबर, 6 सिलेंड्रिकल मेंबर, मतलब एक के लिए 278 केजी लगता है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा तो यहां पर 6 के 6 पाइल के क्या निकल के आ जाएगा, आउटर रिंग का टोटल वेट निकल के आ जाएगा, दैट इज 1668, मतलब 1.5 क्विंटल से कहीं ज्यादा स्टील हमारा केवल आउटर रिंग बनाने के लिए लग रहा है। इससे पहले तो हमने वर्टिकल रिंग और मास्टर रिंग के बारे में देखा था, तो 1668 केजी आपका स्टील लग रहा है इस आउटर रिंग को बनाने के लिए। तो ये बात हुई हमारी आउटर रिंग की,
और पायल की सीरीज का आज ये लास्ट पार्ट था जिसमें हमने बात की आउटर रिंग में। आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट आप लोग जानना चाहते हैं। आलम नूर बोल रहे हैं सर पायल डिजाइन का कौन सा सॉफ्टवेयर है। देखिए पायल डिजाइनिंग के लिए नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है ना, इस पर हम सीरीज चलाएंगे बिल्कुल। पायल डिजाइन के लिए नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। ब्रिज के लिए नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे CHSI ब्रिज हो गया, SAP हो गया, STAAD हो गया, ये सारे इसमें सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के लिए काम करते हैं। चलिए और भी कोई आप लोग के सवाल और जवाब यहां पर हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोग को बताना चाहूंगा ये जितने भी 3D मॉडल्स और मैं ड्रॉइंग रीडिंग्स आपको दिखाता हूं ये सिविल गुरु जी के ऑफिशियल एप्लीकेशन जो कि अवेलेबल है। कहां पर? प्ले स्टोर पर जाना है आपको, प्ले स्टोर पर जाना है। यहां जाने के बाद आपको लिखना है CIVIL गुरुजी, सिविल गुरुजी लिखना है आपको यहां पे। सिविल गुरुजी लिखने के बाद, और देखिए इतना ही मेहनत नहीं करना है और आसान तरीका, अपना फोन उठाओ जिस वीडियो में आप मुझे देख रहे हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है टू ज्वाइन ब्रिज कंस्ट्रक्शन कोर्स। देखो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, सभी लोग डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और वहां लिखा हुआ है टू ज्वाइन ब्रिज कंस्ट्रक्शन कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज इसके लिए नहीं लिया जा रहा है अभी आपसे। केवल 3D मॉडल्स और ड्राइंग रीडिंग आपको मिलेंगे, 3D मॉडल्स और ड्राइंग रीडिंग्स आपको यहां पर मिलती रहेंगी। आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो टाइम 6 बजे है डेली हम लाइव आते हैं, डेली आप जरूर आइएगा सभी लोग, डेली लाइव हम इसी चैनल पर मिलते हैं आप सभी लोगों से, और जिसमें विवेक कुमार सर, गौरव साहू सर, आशीष सर और मैं खुद यहां पर आप लोग के लिए लाइव सेशंस कंटिन्यू चला रहा हूं। और सुबह 9:30 बजे हम डेली आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन और हाईवे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। यदि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो सिविल गुरु जी का ऑफिशियल चैनल पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की सारी इंफॉर्मेशन डेली अपडेट होती है। यदि आप स्कॉप्स कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन की पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसका कंप्लीट कोर्स सिविल गुरु जी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया, आप जाकर उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रिज कंस्ट्रक्शन का अभी भी कोर्स अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कल हम बात करेंगे फिर से आप सभी लोगों के साथ जिसमें आपको 6 बजे मिलेंगे विवेक कुमार सर जो कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। वो बताएंगे आपको कितने तरह के ब्रिजेस होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब उनका पूरा प्रोसीजर बताएंगे अपने एक्सपर्टीज के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।